नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक न्यू ब्लॉग के अंदर। आज हम जा रहे हैं पोर्ट ब्लेयर टू नील। पोर्ट ब्लेयर टू नील जाने के लिए आपको, यदि आप पोर्ट ब्लेयर आए हुए हो तो पहले दो दिन पहले आपको टिकट बुक करना होता है। यहाँ पर यह टिकट खिड़की है, आप देख सकते हो। यहाँ से आपको नील जाने के लिए 600 रुपये का टिकट लगेगा और बंक में जाते हो तो 1000 रुपये का टिकट लगेगा। तो आपको यहाँ से पहले ही ऑनलाइन भी टिकट बुक होता है। मैं आपको ये साइड है नीचे मेंशन कर दूंगा, DSS ऑनलाइन अंडमान ऐसा कुछ है, वो मैं डाल दूंगा। यहाँ से आपको टिकट, बहुत लंबी लंबी लाइनें रहती है, हमने तो दो दिन पहले ही करवा लिया था। ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑनलाइन नहीं करते हो तो यहाँ आके आपको करना होगा। और सुबह को 6:30 बजे एक फेरी निकलती है, 7:30 बजे निकलती है। वापस आने का समय 4 बजे का है, एक ही आती है, इसलिए आप पहले ही बुकिंग करा के ही जाइए। चलिए तो चलते हैं नील और देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। चलिए शुरू करते हैं। तो फाइनली दोस्तों, अब हम शिप के अंदर आ गए हैं। ये शिप का डोर है और दोस्तों शिप में सरकारी बोट है, वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, इसलिए हम आ गए हैं अंदर की साइड में। ऐसा हमारा बंक बुक किया हुआ है तो कुछ इस प्रकार है, ये सारे बंक है अंदर के और हमने यहाँ से बंक ले लिया है। और अब हम सीधा, क्योंकि बाहर का व्यू कुछ दिखता नहीं है, तो अब सीधा नील द्वीप पे मिलते हैं। तो फाइनली हम अभी, ये हमारा शिप है और यहाँ हम पहुँच गए हैं नील द्वीप पे। नील द्वीप का फर्स्ट इम्प्रेशन कुछ इस प्रकार से हैं, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा शिप का भी। और अब हम फाइनली यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब आपको नील पे लक्ष्मण बीच और नेचुरल बीच दोनों ही दिखाते हैं। चलिए चलते हैं नेचुरल बीच की ओर। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं लक्ष्मणपुर बीच 1। यहाँ पर होता है सनसेट पॉइंट। अभी हम दिन में आए क्योंकि हमारे पास आज ही हमें हेवलोक के लिए निकलना है, इसलिए हमें जल्दी आना पड़ा। बहुत खूबसूरत सनसेट पॉइंट है यहाँ पर। आप सनसेट के टाइम ही आइए, हमारे पास तो समय नहीं था इसलिए हमें यहाँ सुबह को आना पड़ा। बहुत अच्छा पानी है, बहुत क्लियर बीच है, एकदम देखिए किस तरीके का बीच है लक्ष्मणपुर। तो आप यहाँ जरूर आइए, फोटो वगैरह के लिए भी बहुत बेस्ट पॉइंट है। ये देखिए इस प्रकार का इसका व्यू दिखता है, लक्ष्मणपुर बीच 1। तो दोस्तों अब हम लक्ष्मणपुर बीच पे तो पहुंच चुके हैं। लक्ष्मणपुर बीच पे आपको बता दिया हमने कि सनसेट पॉइंट ही आना है और बहुत खूबसूरत व्यू है, बहुत अच्छा व्यू है, बहुत आकर्षित जगह है। आपको यहाँ आकर के सुकून मिलेगा ही मिलेगा। तो फोटोग्राफी और सनसेट पॉइंट के टाइम आप यहाँ पर आ सकते हैं और बहुत साफ सुथरा, बहुत क्लीन, एशिया का नंबर 1 बीच है। आप यहाँ पर जरूर आइए बैठने के लिए, यहाँ पर टेबल वगैरह भी है। शाम के टाइम यहाँ पर समुद्र की हवाओं के साथ साथ सनसेट का मजा ले सकते हैं। तो चलिए, ये था लक्ष्मणपुर बीच का इंप्रेशन। अब आपने आगे चलते हैं और वो रहेगा नेचुरल बीच।
नीलद्वीप का सबसे खतरनाक ब्रिज है जो है नेचुरल ब्रिज, वहाँ चलते हैं और इंजॉय करते हैं। तो दोस्तों हम अभी नेचुरल ब्रिज पे जा रहे हैं, यहाँ से रास्ता है नेचुरल ब्रिज जाने का, आप देख सकते हो छोटी बड़ी मार्केट भी लगी है। यहाँ अभी दिन में हाई टाइड रहता है, लो टाइड के टाइम आप आइएगा। यहाँ पर ये चाय वगैरह का रेट लिखा है, कुछ इस प्रकार के रास्ते से होते हुए जाना है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार का व्यू दिखेगा, मार्केट लगा है, मार्केट के बीच में से होते हुए अपने को नेचुरल बीच की ओर जाना है, लक्ष्मणपुर टू नेचुरल बीच। बहुत अच्छा व्यू है, शाम के टाइम यहाँ बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। अभी थोड़ा हाई टाइड है, पानी बहुत है। तो हाई टाइड के समय आपको यहाँ इसके पास पास में से होते हुए जाना पड़ेगा, क्योंकि पानी थोड़ा ज़्यादा रहता है, और लो टाइड के समय आप यहाँ से आसानी से जा सकते हो। देखते हैं, अपने तो हाई टाइड से ही जा रहे हैं, मगर का यहाँ भी डर है, थोड़ा सावधानी से जाइएगा। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं नेचुरल बीच पे। हवाएं बहुत तेज है तो आवाज आपको शायद कम सुनाई देगी, लेकिन यही है नेचुरल बीच। वॉलपेपर वगैरह में आपने फोटोज देखे होंगे, नेचुरल बीच पे हम पहुंच चुके हैं। यहाँ पर अभी फोटो शूट करेंगे, आप भी फोटो शूट टाइम पे यहाँ पर आइए। थोड़ा हाई टाइड है, पानी वगैरह ज्यादा है अभी, लेकिन यहाँ आप आ सकते हो, फोटो शूट कर सकते हो। बहुत अच्छा लोकेशन है, बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत खूबसूरत जगह कहेंगे आप। बहुत अच्छा व्यू है यहाँ पर नेचुरल बीच, आपको आना चाहिए, फोटो शूट करना चाहिए। बस टाइम यहाँ का रहेगा आपको सुबह का, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर हाई टाइड रहता है। शाम को भी 4 बजे यहाँ फोटो शूट के लिए लो टाइड रहता है, बाकी दोपहर में और ज्यादा शाम को 6 बजे बहुत हाई टाइड हो जाता है। उससे पहले पहले आइए और फोटो शूट कीजिए। थैंक यू। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी हम फाइनली पहुंच चुके हैं भरतपुर बीच पे। भरतपुर बीच है जो लक्ष्मणपुर और ये जो क्या बोलते हैं अपने नेचुरल बीच, देखने के बाद आप यहां आ सकते हो। लो टाइड रहो, हाई टाइड रहो, किसी भी टाइम आप यहां पर आ रहे या फिर हाई टाइड रहे, किसी भी टाइम आप यहां पहुंच सकते हो। बहुत अच्छा लोकेशन है, बहुत खूबसूरत लोकेशन है, बहुत खूबसूरत अमेजिंग लोकेशन है। और यहाँ पर नाना मना है, लगभग अंडमान के सारे बीच पर नाना मना है, क्योंकि यहाँ पर मगरमच्छ का वो डर रहता है, सब जगह लिखा हुआ आ सकता है, इसलिए ये बहुत अच्छी लोकेशन है। आप फोटो शूट वगैरह कर सकते हो, फ्री टाइम में यहाँ बैठ सकते हो। यहाँ से जो जेटी होती है ना शिप में बैठने के लिए, जेटी सिर्फ 2 मिनट का रास्ता है, लास्ट 5 मिनट। तो आपकी जेटी से वेट करने की बजाय यहाँ बैठ सकते हो, 5 मिनट का रास्ता लगेगा, पैदल भी आप पर जा सकते हो, रिक्शा वगैरह। और खाने पीने के लिए यहाँ पर बहुत सारे देखिए रेस्टोरेंट वगैरह है, खाना पीना भी खा सकते हो, आप आराम से बैठ सकते हो, साथ में लाए हो तो साथ में लाए हुआ खाना भी यहाँ बैठ के खा सकते हैं। और बहुत बेहतरीन जगह, वाटर एक्टिविटीज़ सारी है यहाँ पर, सब तरह की वाटर एक्टिविटीज़ होती है, कोई भी वाटर एक्टिविटीज यहाँ से आप ले सकते हो। और सामने की तरफ मैं आपको दिखा
नज़दीक में जेटी है, ये सबसे बड़ा फायदा है। पर्यटक ध्यान दे, समुद्र में ना जाइए। सुबह क्रोकोडाइल देखा गया है, कृपया आप समुद्र के अंदर ना जाए और पानी में भी ना उतरे। बच्चों के ऊपर ध्यान रखें।